कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल साहू द्वारा राजपूत समाज के खिलाफ अमर्यादित व अशोभनीय बयान नारी शक्ति के खिलाफ दिया है और इसका परिणाम समय आने पर भुगतना पड़ेगा। समाज हमेशा मर्यादाओं में रहता आया है और मर्यादा का पालन करता है, लेकिन जब मर्यादा टूटती है तो बहुत कुछ परिणाम बदल जाते हैं। बदनावर बस स्टैंड पर बिसाहूलाल साहू का पुतला फूका गया और जूतों की बारिश की गई, साथ ही नारेबाजी की गई। इस अवसर पर युवा राजपूत संगठन और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारी व सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। देखें पूरी खबर मेरा देश मेरा प्रदेश पर। बदनावर से विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। जिस तरह इस मंत्री द्वारा बिसाहूलाल साहू द्वारा महिलाओं के विषय में जो टिप्पणियाँ की गई, महिलाओं को हाथ पकड़ कर घर से बाहर निकाला जाए, इस पर पूरे समाज में रोष है और हर जिले और तहसील स्तर पर इनके पुतले जलाए जा रहे हैं और विरोध किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री से हमने भी निवेदन भी किया है कि ऐसे मंत्रियों को आप बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि इस देश में रहने लायक नहीं है। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो किसी काम के नहीं, इसको इस देश को चलाना तो बहुत दूर की बात है। आगे राजपूत कमीशन आगे क्या करेगी अगर इस प्रकार से अगर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा इनको बाहर नहीं किया जाता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और भोपाल कूच करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कुंवर पोप सिंह राठौर पप्पी बना, श्री राजपूत कमीशन का प्रदेश महासचिव।